बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा से कालिंदी कुंज का रास्ता फिर बंद कर दिया गया है। तो नोएडा की तरफ से पुलिस ने बैरिकेडिंग फिर लगा दी है। कुछ देर के लिए इस रास्ते को खोला गया था, अब शाहीनबाग के प्रदर्शन के चलते एक बार फिर से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 69 दिनों से ये प्रदर्शन शाहीनबाग में सीए और एनआरसी को लेकर चल रहा था, 15 दिसंबर से चल रहा है। और ऐसे में कुछ राहत देने के लिए इस रास्ते को खोला गया, क्योंकि लोगों को लगातार परेशानी हो रही थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रास्ते को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। अपर्णा एक बार फिर से हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। अपर्णा, अभी क्या वजह, आखिरकार क्यों एक बार फिर से इस रास्ते को बंद कर दिया गया? देखिए, सबसे बड़ी वजह जान लेना ये भी है, आपको बता दूं, कल पूरे दिन ये रास्ता खुला रहा था, करीब आधे घंटे के लिए रास्ते को बंद किया गया था। कल नोएडा पुलिस ने ये रास्ता पूरे दिन खोल कर रखा हुआ था, लोग निकल भी रहे थे, कार सवार भी यहाँ से निकल रहे थे। और आज सुबह भी जब हमने आज यहाँ पर आके मौके पर आके बात करी पुलिस कर्मियों से कि अचानक से ये रास्ता क्यों बंद कर दिया गया है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कांवड़ियों की वजह से, पीक पॉइंट पर जहाँ पीक आवर है जो ट्रैफिक का, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया था, एम्बुलेंस वगैरह को निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से वो जो बैरिकेड हटाने पड़ गए। जब हमने उनसे पूछा कल के विषय में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और कल भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक था महाशिवरात्रि की वजह से, इसलिए हमने कल पूरे दिन ये रास्ता खोल रखा था। हालांकि हमने काफी बार ये भी पूछने की कोशिश करी कि कल क्यों खोल रखा था रास्ता, तो पुलिसकर्मी का यही कहना था कि हमारे इस विषय पे आप हमारे सीनियर से बात करिए, और बात को टालने की कोशिश करी गई जी। लेकिन अपर्णा ये बताइए, क्या अभी टू व्हीलर्स को जाने की इजाजत है वहाँ पर? बिल्कुल हाँ, टू व्हीलर्स लगातार निकल रहे हैं, हालांकि टू व्हीलर्स के लिए लगातार 69 आवर्स डे है, जब ये रास्ता खोला गया था तब भी निकल रहे थे लगातार, और आज भी टू व्हीलर्स को निकलने की परमिशन दी जा रही है और टू व्हीलर आराम से निकल रहे हैं। लेकिन अपर्णा, ऐसे में सवाल ये उठता है कि शाहीनबाग में वार्ताकार जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, और यही समझा जा रहा था कि प्रदर्शनकारियों से जिस तरह से बातचीत चल रही है, शायद उसके बाद सामान्य हालात होते हुए दिख रहे हैं और ये रास्ता खोल दिया गया है। क्या अब क्या उम्मीद की जाए, क्या अभी और वक्त लगेगा इस रास्ते को खुलने में, यानी कि लोगों को परेशानियों का सामना कुछ और वक्त करना पड़ सकता है? देखिए, यहाँ पर जो रास्ते से जो निकल रहे हैं कार सवार, उनसे हमने बात करने की कोशिश करी, बाइक सवार से बात करी, लोकल जो लोग हैं यहाँ निकलते रहते हैं उनसे बात, जो ऑफिस के लिए निकलते हैं उनसे बात करके पता लगा कि एक बार फिर से उनमें निराशा का भाव जागा है, और वो काफी दुखी मन से कह रहे थे कि अब हमें पता नहीं कब तक इसका इंतजार करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि अब सीनियर से बात करके यह पता लगेगा कि ये शाहीनबाग से जुड़ा हुआ जो मसला है, करीब इसको 69 डेज हो गए हैं लगातार रास्ता बंद है, ये कब खुलेगा। ये जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही आपको अवगत कराएगा। धन्यवाद आपका पर्दा मार्सा जुड़ने के लिए।